अब लॉरेंस गैंग का खात्मा होने वाला है। क्या लॉरेंस गैंग की कमर टूटने वाली है? एनआईए ने कैसे कस दिया लॉरेंस गैंग पर शिकंजा? $10,00,000 का इनामी कौन सा गैंगस्टर एनआईए के टारगेट पर है? किस बात को लेकर छलक पड़े लॉरेंस के आंसू? समझौते वाला सलमान का कौन सा चेक सुर्खियों में है? साबरमती जेल की चार दीवारी में कैद कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई, जो अपनी गैंग में गुरुजी के नाम से विख्यात है, अब बुरी तरह सुरक्षा एजेंसी के निशाने पर आ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने लॉरेंस की गैंग पर शिकंजा कस दिया है। लॉरेंस के नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एनआईए समेत देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस इस तस्वीर को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई के सबसे ज्यादा दिल के करीब अगर कोई है तो वो है ये चेहरा। नाम है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई पर 18 मामले दर्ज हैं। अनमोल जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था। अनमोल फिलहाल एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10,00,000 का इनाम रखा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल का नाम सामने आया था। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी अनमोल वांटेड था। अपने छोटे भाई पर कसते शिकंजे की वजह से जेल की सलाखों में कैद डॉन लॉरेंस बहुत बेचैन है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस को इस बात का पछतावा हो रहा है उसका भाई अनमोल उसके चक्कर में जेल गया। 4 साल उसकी वजह से उसे जेल में रहना पड़ा और जेल से बाहर निकलते ही उस पर 18 केस लग गए। लॉरेंस का कहना है कि ये सारे केस झूठे हैं। उसका भाई अनमोल जब 18 साल का था तो उसे जेल में डाल दिया गया और 22 साल की उम्र में जब वो जेल से बाहर निकला तो उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। ये कहते कहते लॉरेंस इमोशनल हो जाता है। लॉरेंस का कहना है कि उसका छोटा भाई तो गौशाला बनवा रहा है। लेकिन लॉरेंस की इस कहानी से छोटे भाई अनमोल के क्राइम कहानी मेल नहीं खाती। सच तो ये है कि अनमोल विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग चला रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में वो मुख्य साजिशकर्ता और शूटर्स के साथ स्नैपचैट से संपर्क में था। 2023 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अनमोल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है, जिसके बाद वो फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया। फिलहाल वो कनाडा, अमेरिका और केन्या में अपने ठिकाने बदलता रहता है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी में अनमोल वांछित है। अनमोल ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया था और अब बड़े भाई की क्राइम कंपनी को वो ऑपरेट कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने मूसेवाला हत्याकांड के बाद करोड़ों रुपए कमाया। उन्हीं पैसों से अपने गैंग के नेटवर्क को तगड़ा किया, आधुनिक हथियार खरीदे, देश विदेश में शूटर्स हायर करे। लॉरेंस गैंग बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनआईए लॉरेंस के इस नेटवर्क को नया अंडरवर्ल्ड बताता है, जो दाऊद के अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा मजबूत है। लॉरेंस बिश्नोई के अंडरवर्ल्ड गैंग में सबसे टॉप पर लॉरेंस बिश्नोई खुद है। उसके बाद अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, विक्रम राणा जैसे खतरनाक गैंगस्टर उसकी गैंग के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, ये तो वो नाम है जो चर्चित हैं। इनके पीछे सैकड़ों की तादाद में शार्प शूटर्स हैं, जो देश और विदेश में किसी भी जगह टारगेट किलिंग और फिरौती लेने में एक्सपर्ट हैं। इन सब के बारे में एक बात कॉमन है और वो ये कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड या माशूका नहीं है और ना ही किसी ने शादी की है।
ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस की गैंग अय्याशी में पैसा नहीं उड़ाती, लेकिन महंगे कपड़े और जूते पहनना और स्टाइल में रहना इन सब का शौक है। खुद लॉरेंस को देखकर समझ आता है कि वो कितनी स्टाइल में रहता है। एक बात और है, लॉरेंस के बारे में कहा जाता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। लॉरेंस जमींदार परिवार से है। बताया जाता है कि राजस्थान में उसके पास तकरीबन 110 एकड़ जमीन है। इतना पता है कि प्रॉपर्टी है, काफी है, जमींदार लोग हैं और खानदानी लोग हैं, पुरानी जमीनें हैं। इस बात का जिक्र इसीलिए क्योंकि बिश्नोई समाज से माफी मांगने के सवाल पर सलमान खान के पिता सलीम खान ने सलमान खान को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया था कि लॉरेंस बिश्नोई ये सब पैसे के लिए कर रहा है। सलीम खान ने कहा था कि सलमान खान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा, कभी काकरोच तक नहीं मारा, तो सलमान किस बात के लिए माफी मांगे? ये तो सीधे तौर पर एक्सटॉर्शन है। सलमान ने कोई अपराध नहीं किया और कोई गुनाह नहीं किया। सलीम खान के इस आरोप पर लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने दावा किया था कि सलीम खान को मैं याद दिला दूं कि उनका बेटा सलमान खान समुदाय के सामने खाली चेक लेकर आया था और अमाउंट भरने के लिए कहा था। अगर हम लोग पैसे के भूखे होते तो उसी समय ले लेते। हालांकि काला हिरण मामले में वहां के लोग भी किसी कीमत पर समझौते के मूड में नहीं है। वो साफ कहते हैं कि सलमान को मुक्ति धाम आकर माफी मांगनी होगी। ना बया मैं क्या मार बेटा मारियो नहीं मारियो क्यों मारियो हकीकत में एक नहीं मारियो तीन मारियो। अरे पैसा मारने से जरा पैसा कोई भूखा नहीं है, मैं पेट भूखा था ना, पैसा मार वो 10 करोड़ देते मैं नहीं ला। सलमान खान ने मैं पकड़िया ना मैं इन्हें डोसी ने डंडनो। जिस मुक्ति धाम की बात बिश्नोई समाज करता है उस मुक्ति धाम के सामने लॉरेंस की एक तस्वीर भी है, ये देखिए। लॉरेंस जब अपराध की दुनिया में नहीं था तब की तस्वीर है ये। बताया जाता है कि लॉरेंस बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। बहुत धार्मिक किस्म का व्यक्ति है और पूजा पाठ वो डेली करता है। हर नवरात्रों में व्रत के साथ साथ मौन व्रत भी रखता है। आज की डेट में 5 मिनट इंसान के लिए चुप होना मुश्किल है और वो मौन व्रत रखता है पूरे 9 दिन। लेकिन जब सलमान खान ने बिश्नोई समाज के लिए देवतुल्य काले हिरण का शिकार किया तब से लॉरेंस सलमान का दुश्मन बन गया। देखो हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे जाएंगे जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। इन बातों से लगता है कि सलमान से दुश्मनी फिरौती की नहीं, सलमान से दुश्मनी सम्मान की। क्योंकि फिरौती वाला मामला होता तो सलमान के पास इतना तो पैसा है कि वो इस मुश्किल घड़ी से बाहर आकर खुले में सांस लेते और उन्हें इतनी सुरक्षा में रहकर अपनी जान को खतरे में न डालना पड़ता। और वैसे भी तब की बात और थी, लेकिन वक्त के साथ लॉरेंस ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। अब तो वो अपनी शर्तों पर सलमान खान से निपटने के मूड में है। फिरौती और टारगेट किलिंग में लॉरेंस गैंग का ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में सिक्का चल रहा है। लॉरेंस के गैंगस्टरों ने अपने टारगेट के जिंदा रहने की कीमत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक रखी हुई है। लॉरेंस गैंग के बारे में कहा जाता है कि पहले लॉरेंस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते थे जिनके पास ब्लैक मनी होती थी या वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते थे। लेकिन अब तो लॉरेंस गैंग ने दायरा बढ़ाकर बिल्डर, पॉलिटिशियन और फिल्म इंडस्ट्री को भी अपने निशाने पर ले लिया है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस की गैंग ने अपनी एक रेट लिस्ट बना रखी है जिसमें वो सटोरियों और बुकी से 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर वालों से भी 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारियों से 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारियों से 5 से 10 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से 10 करोड़ जिसमें सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और फाइनेंशियर शामिल होते हैं, वहीं बिल्डर्स से 2 से 5 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी डीलर्स से 2 से 3 करोड़ और ज्वेलर्स से 1 से 2 करोड़ रुपए वसूलता है। लॉरेंस का पूरा गैंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। इस गैंग ने बीते 4-5 सालों में इतना खौफ बना लिया कि जिस पर हाथ रख दे उससे करोड़ों की फिरौती वसूल लेता है। आलम यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैल चुका है। गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स, लिहाजा लॉरेंस के सिंडिकेट ने अपने
अपराधियों की पैरवी के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रखी। देश के लगभग हर उस राज्य में जहां लॉरेंस या उसके गैंग के सदस्य का केस चल रहा है, उसके वकील पैरवी के लिए मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी धरती पर भी, चाहे राजनीतिक शरण की बात हो या फिर खुद की पैरवी की, गोल्डी बराड़ और अनमोल विश्नोई ने वकीलों की मदद ली है। सर, ये भी सिर्फ एलिगेशंस हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं है। जो कह रहे हैं कि हवाला के थ्रू पैसा भेजता है, भाई हवाला के थ्रू पैसा भेजा भी तो किसी ने होगा, किसी ने रिसीव भी किया होगा, उनके बारे में तो कोई कहीं मेंशन ही नहीं है पूरी एनआईए की चार्जशीट में। कॉन्स्पिरेसी, दैट्स इट। कॉन्स्पिरेसी के अलावा कोई और एलिगेशन है ही नहीं कि वो गैंग लीड कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, हवाला ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, बट कोई भी ऐसा एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उसकी गैंग में उसे गुरुजी बोला जाता है। लॉरेंस को गुरुजी नाम उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने ही दिया है, जिसके बाद हर गुर्गा और करीबी लॉरेंस को गुरुजी से ही बुलाता है। सारे ऑपरेशन में कोड वर्ड गुरुजी नाम से ही चलता है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में पकड़े गए शूटर्स और अनमोल बिश्नोई के एक ऑडियो में भी वो गुरुजी नाम ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग अवैध वसूली से कमाने वाले करोड़ों रुपए को हवाला के जरिए विदेशों में रूट कर रहा है, जहां से गैंग के बाकी सदस्य गैंग को इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अब लॉरेंस तमाम सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर चढ़ चुका है, खासकर बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को मिलने वाली धमकी के बाद।